समय की बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी जिन पर फायरिंग हुई, फायरिंग के दौरान पेट में लगी दो गोलियां। लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। आपको बता दें कि एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी जिन पर फायरिंग की गई, दो गोलियां उनको लगी और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में 2 से 3 राउंड फायर किए गए। एनसीपी के नेता है थे बाबा सिद्दीकी जिन पर फायरिंग का ये मामला। फायरिंग के दौरान 2 से 3 राउंड फायर किए गए, पेट में दो गोलियां लगी। लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में 2 से 3 राउंड फायर किए गए और बाबा सिद्दीकी को दो गोलियां पेट में लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल, लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मुंबई के बांद्रा ईस्ट में 2 से 3 राउंड फायर किए गए एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी। तो बाबा सिद्दीकी की गोली लगने से मौत, लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में 2 से 3 राउंड फायर किए गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाबा सिद्दीकी को पेट में दो गोलियां, फायरिंग से जुड़ा ये मामला हम आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एनसीपी के नेता, दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी जिन पर फायरिंग हुई, 3 गोलियां फायर की गई, 2 पेट में लगी। लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो ऑफिस से निकलते वक्त गोली मारकर हत्या की गई बाबा सिद्दीकी की। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें 3 राउंड फायर किए गए, 2 पेट में गोलियां लगी, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मुंबई के बांद्रा इलाके की एक घटना है, जहां पर ऑफिस से निकलते वक्त बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की गई। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई है। आपको बता दें कि मुंबई के बांद्रा में ये घटना हुई, फायरिंग हुई, 2 से 3 राउंड उन पर फायर किए गए, जिसमें से 2 गोलियां उनके पेट में लगी। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हैं। लीलावती अस्पताल, जहां इलाज के दौरान
उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कौन है ये लोग, ये अभी जांच का विषय है। आपको बता दें कि लंबा राजनीतिक करियर बाबा सिद्दीकी का, तीन बार कांग्रेस से विधायक रहे, उसके बाद एनसीपी में आए और एनसीपी के बड़े नेता और कद्दावर नेताओं में बाबा सिद्दीकी को गिना जाता है। मुंबई के बांद्रा में आज फायरिंग हुई, उन पर ऑफिस से निकलते वक्त फायरिंग की गई एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी पर, और दो गोलियां उनके पेट में लगी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, लीलावती अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग, एनसीपी के कार्यकर्ता इस समय मौजूद हैं यहां पर, और लगातार चर्चाओं का विषय यही बना हुआ है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की। ऑफिस से निकलते वक्त बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की गई मुंबई के बांद्रा ईस्ट में, 2 से 3 राउंड ऑफिस से निकलते समय उन पर फायरिंग की गई, दो गोलियां उनके पेट में लगी, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया लीलावती अस्पताल जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, तीन लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। दस फरवरी को अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी में शामिल हुए थे। डिप्टी सीएम अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी में पार्टी में वो शामिल हुए। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के इसी साल 8 फरवरी को कांग्रेस छोड़ी थी, इसी साल महाराष्ट्र के